जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और बेटी बचाओ की कागजी घोषणाएं की जाती है, आज उसी मध्य प्रदेश में सर्वोच्च पद पर ग्रहण करने वाला एक व्यक्ति के परिवार के अंदर ही जब हमारी मध्य प्रदेश की लाडली आत्महत्या करती है तो यह आश्चर्य की बात है। आज दो हफ्ते बाद भी जब सारे परिजनों ने पुलिस को अपना बयान दिया है, रिपोर्ट दिया है, उसके बाद भी FIR लॉज नहीं किया जाता है। उल्टा जब पुलिस स्टेशन में परिजन जाते हैं, वहां एक राजनीतिक दल भाजपा के लोग नेता गाड़ी में बैठकर परिजनों को धमकी देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि बयान पलटो नहीं तो। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं कि महिला का सुरक्षा, महिला का एक एक महिला की सुरक्षा का वातावरण तैनात करना होगा, जो लाडली लक्ष्मी और बेटी बचाओ की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमारी बच्चियां मेरी भांजियां हैं, आज उन्हें क्या हो गया है मैं पूछना चाहता हूं। इस मुद्दे पर एक वक्तव्य क्यों नहीं, इस मुद्दे पर कोई एक्शन क्यों नहीं? और आज तो ये प्रश्न केवल एक राजनीतिक प्रश्न मुख्यमंत्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, मैं तो कहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग पे भी आज प्रश्न हो गया है कि आज एक भी FIR 14 दिन बाद भी क्यों लॉज नहीं किया गया। इसका जवाब पुलिस विभाग को भी, प्रदेश की जनता को देना होगा अगर उन्होंने एक्शन न लिया हो तो। जो वातावरण आज तैनात हो चुका है मध्य प्रदेश में, एक नियम बनाया जाता है आम आदमी के लिए और एक नियम बनाया जाता है प्रदेश के बड़े बड़े मंत्रियों के लिए। आज अगर न्याय दिलाना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि मैं पुलिस के अफसरों को कहता हूं कि ठोक ठोक के मारो, और अगर कोई पूछेगा तो कहना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस उदयपुरा की घटना पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब पहले दें प्रदेश की हमारी महिलाओं। हमारी महिला प्रदेश की अस्तित्व है, प्रदेश की गर्व है, और आज जब इतनी दुखद घटना हुई है रघुवंशी समाज में, हमारी रघुवंशी समाज की महिला नौजवान प्रीति के साथ, उसका पत्र मैंने पढ़ा है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट मैंने देखा, स्वयं रामपाल सिंह जी के पुत्र ने माना है और रामपाल सिंह जी ने माना है कि ये मेरी बहू है, रामपाल सिंह जी के पुत्र स्वयं आए हैं गिरजेश जी, तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को, प्रदेश की जनता को देना होगा। और अगर इस परिवार पर दबाव लाया गया, अगर इस परिवार को धमकाया गया, तो मध्य प्रदेश की जनता इसे चुपचाप होकर बर्दाश्त नहीं करने वाली, ये स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं। मंत्री पुत्र के न्यायपूर्ण न्याय को देश की संसद पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बार संसद में उठाकर जरूर उठाऊंगा, अगर संसद चलता हो तो मैं जरूर उठाऊंगा।